हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक नई सीरीज़ चालू की है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी टू वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए हैं आज का यह थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन टू वन फिफ्टी सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन मिलिंग मशीन एंड मिलिंग ऑपरेशन सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन द कटिंग एजेस आर स्पेस्ड ब्लैंक स्पेस ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द कटर सो इसका आंसर है इक्वली सो मिलिंग कटर के ऊपर जो कटिंग टीथ होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं सो so यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग टाइप के मिलिंग कटर्स हैं, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर लाइक एंड मिल कटर रफिंग एंड मिल थ्रेड मिल कटर उड्रफ कटर बॉल कटर कौनकेो मिलिंग कटर फ्लाई कटर साइड मिलिंग कटर एंड फेस मिलिंग कटर तो आप देख सकते हो जैसे साइड मिलिंग कटर में ये जो सारे टीथ है ये इक्वली स्पेस्ड है सो so इसका आंसर होगा इक्वली स्पेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द मिलिंग कटर आर रिहोल्विंग टूल्स हैविंग ब्लैंक स्पेस कटिंग एजेस सो इसका आंसर है नन ऑफ द मैंशन ओके सो ऑप्शन थे ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ कटिंग एजेस मिलिंग कटर के ऊपर हो सकते हैं सो so, इसका आंसर है नन ऑफ द मैंशन नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिंग कटर्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू द आंसर इज टू टाइप सो मिल कटर आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू टू टाइप ओके वो दो टाइप है दैट इज आर्बर टाइप एंड शेंग टाइप तो ये सारे जो है ये मिलिंग कटर के टाइप्स है और अगर आप, आपको इनको क्लासीफाई करना है तो ये सारे कटर्स जो है दो कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं दैट इज आर्बर टाइप एंड शेंग टाइप मान लो जैसे अगर ये कटर है आपके पास ये साइड मिलिंग कटर है तो ये आर्बर के ऊपर माउंट होगा इसलिए इसको कहते हैं आर्बर ये मतलब कैटेगरी में आएगा आर्बर टाइप के वही अगर ये ऊपर के सारे जो कटर्स है ये इसको सारे को शैंक है तो ये शैंक टाइप ऑफ मिलिंग कटर हो गए सो यू कैन क्लासिफाई द मिलिंग कटर इन टू कैटेगरीज आर्बर टाइप एंड शैंक टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिंग कटर्स मे बी मेड ऑफ सो द आंसर इज ऑल ऑफ द मैंशन सो

सो so, आर्बर क्या चीज़ है आपको यहाँ से समझ में आएगी ये आपकी हॉरिज़ॉन्टल मिलिंग मशीन है ओके okay? सो so, ये हो गया मिलिंग कटर ये मिलिंग कटर हम लोगों ने एक हॉरिज़ॉन्टल शाफ्ट के ऊपर माउंट किया हुआ है ओके सो क्वेश्चन था कि ऐसा कटर जिसको सेंटर में बोर है राइट right? और एक शाफ्ट के ऊपर वो माउंट है तो उस शाफ्ट को क्या कहते तो उस शाफ्ट को कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो उस शाफ्ट को कहते हैं आर्बर नेक्स्ट क्वेश्चन स्लैब मिल कटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिलिंग कटर सो द आंसर इज आर्बर टाइप सो जो आपका स्लैब मिलिंग कटर है ये हो गया आपका स्लैब मिलिंग कटर इसको हम लोग हॉरिजोंटल मिलिंग मशीन पे यूज करेंगे और इसे आर्बर के ऊपर माउंट करेंगे सो इट इज अ टाइप ऑफ आर्बर मिलिंग कटर नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बाइड एंड सीरेमिक टिप्स आर यूज इन सो द आंसर इज फेस मिल फेस मिलिंग कटर में हम लोग कार्बाइड एंड सिरेमिक टिप्स यूज करेंगे सो so ये सारे हो गए फेस मिलिंग कटर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बाइड टिप्स इसको अटैच किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडेक्सिंग इज द ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग द पेरीफेरी ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन टू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ओके सो इट इज ट्रू ओके सो इंडेक्सिंग में क्या करते हैं हम लोग जो वर्क है उस वर्क की पेरे हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ओके सो दिस इज योर इंडेक्सिंग टूल नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडेक्सिंग ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी एडेप्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लैंक स्पेस हेडेड बोल्ट सो इसका आंसर है बोथ हेक्सागोनल एंड स्क्वेयर सो वी कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ बोल्ट दैट इज हेक्साइगोनल एंड स्क्वेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेक्सिंग इज अकम्प्लिश्ड बाई यूजिंग ए स्पेशल अटैचमेंट नोन एज सो उसे कहते हैं डिवाइडिंग हेड एंड इंडेक्स हेड सो वी कैन अकम्प्लिश द इंडेक्सिंग ऑपरेशन मतलब हम इंडेक्सिंग कर सकते विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग हेड एंड इंडेक्स हेड नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवाइडिंगड आर ऑफ ब्लैंक स्पेस टाइप डिवाइडिंग हेड कितने टाइप के होते हैं सो डिवाइडिंग हेड जो है वो तीन टाइप के होते हैं दैट इज़ यूनिवर्सल ड्राइविंग हेड ऑप्टिकल ड्राइविंग हेड एंड प्लेन ड्राइविंग हेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडेक्सिंग अरेंजमेंट यूज इन द वर्कशॉप सबसे कॉमन टाइप कौन सा है इंडेक्सिंग का सो इसका आंसर है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड सो ये सारा अरेंजमेंट है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का और मोस्टली इंडस्ट्री में यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी द कूलंट इज़ यूज इन मिलिंग मशीन डिव टू द आंसर इज बोथ वन एंड बी सो वट इज़ द पर्पज ऑफ कूलंट क्यों हम लोग कूलंट यूज करते हैं मिलिंग मशीन में सो रिड्यूज द हीट इन द वर्क जोन हीट रिड्यूज करने के लिए एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द कटिंग टूल एंड वर्क पीस जो भी फ्रिक्शन होता है ड्यूइंग मशीनिंग वो कम करने के लिए हम लोग कूलंट यूज़ करते हैं सो so यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है वो कूलट है नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग टूल यूज इन मिलिंग मशीन इज द आंसर इज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ओके मिलिंग मशीन पर जो कटिंग टूल यूज़ हो रहे हैं जो भी कटर्स यूज़ हो रहे हैं उसको मल्टी पॉइंट्स है जहाँ से मशीनिंग होगा ओके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम मिलिंग मशीन में यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन अप मिलिंग ऑपरेशन ओके इन अप मिलिंग ऑपरेशन दिज आर द ऑप्शन सो इसका आंसर है बोथ कटिंग मोशन एंड फीडिंग मोशन इज अपोजिट डायरेक्शन ओके सो यहाँ पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मिलिंग ऑपरेशन के अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग सो देखिए अप मिलिंग में क्या होता है आपका जो कटर है यहाँ पर कटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ओके okay? ये कटर जो है ये ऐसे रोटेट हो रहा है ये कटर का रोटेशन है और वर्क पीस इस डायरेक्शन में आ रहा है ओके okay? मतलब अप मिलिंग में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है वेयर एज डाउन मिलिंग यहाँ पे कटर आपका इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज और वर्क पीस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट वो मूव हो रहा है और आपका कटर भी टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है सो so, डाउन मिलिंग में दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा वेर एज अप मिलिंग में कटर और वर्क पीस का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा ओके सो okay? so, यहाँ पे पूछा है इन अप मिलिंग ऑपरेशन सो so, आपका आंसर रहेगा कि कटिंग मोशन एंड फीडिंग मोशन इज अपोजिट इन डायरेक्शन देखिए कटिंग मोशन होगा आपके कटिंग टूल का और फीडिंग मोशन होगा आपके वर्क पीस का सो so, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है अप मिलिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन इन डाउन मिलिंग ऑपरेशन अब इसमें क्या होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा सो द आंसर इज बोथ कटिंग मोशन एंड फीडिंग मोशन इज इन द सेम डायरेक्शन सो ये हो गया आपका डाउन मिलिंग डाउन मिलिंग टाइप अब यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में और आप फीड भी दे रहे हो इसी डायरेक्शन में सो दिस इज डाउन मिलिंग डायरेक्शन डाउन मिलिंग ऑपरेशन एंड बोथ कटिंग मोशन एंड फीडिंग मोशन इज इन द सेम डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग मुलिंग ड्यूरिंग मिलिंग द कटर यूजअली मूव द आंसर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ओके सो ड्यूरिंग मिलिंग द कटर यूजअली मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस राइट अब देखिए यहाँ पे ये एक्सिस है और ये मुंह कैसे हो रहा है इस डायरेक्शन में ये कटर का एक्सिस है राइट right? यहाँ पे आर्बर आर्बर रहेगा आर्बर के ऊपर आपका मिलिंग कटर है सो so, एक्सिस आपका ये बन गया और मुंह कैसे हो रहा है इस डायरेक्शन में सो ड्यूरिंग मिलिंग द कटर यूजली मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड एट विच वर्क पीस एडवांसिस थ्रू द कटर इज कॉल्ड एज द स्पीड एट विच वर्क पीस एडवांसिस मतलब जिस स्पीड से आपका वर्क पीस जा रहा है कटर के अंदर उसे क्या कहते हैं सो so, उसे कहेंगे फीड रेट ओके यहाँ से क्लियर होगा जैसे आपका कटर जो है एक ही जगह पे होगा लेकिन वो रोटेट होते रहेगा और वर्क पीस जो है वो मूव करेगा राइट right? सो so, एक रिवोल्यूशन एक कटर के रिवोल्यूशन में वर्क पीस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे कहेंगे फीड रेट नेक्स्ट क्वेश्चन द यूज ऑफ कोटिंग ऑन मिलिंग कटर विल इंक्रीज ब्लैंक स्पेस ऑफ द टूल सो द आंसर इज सरफेस हार्डनेस ओके सो जो टिप अटैच हुए होते हैं कटर मिलिंग मिलिंग कटर के ऊपर उसे उसके ऊपर कोटिंग होता है सो so, उससे क्या होगा सरफेस हार्डनेस इंक्रीज होगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये टिप्स अटैच है इसका पर्पस क्या है सरफेस हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए फिर कोटिंग कोटिंग किया हुआ है उस टिप के ऊपर दैट इज टू इंक्रीज द सर्फेस हार्डनेस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलिंग कोटिंग आर ऑफ मिलिंग कटर ओके ये इसमें से कौन से कोटिंग यूज़ होता है सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबू सो कौन कौन से कोटिंग है अपने पास टाइटेनियम नाइट्राइड टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड सो ये सारे टाइप के कोटिंग्स आपके मिलिंग कटर पे यूज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन दर्टिकल मिल मिल मिलिंग कटर्स आर हेल्ड इन द ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस ओके सो दिस इज़ योर वर्टिकल मिलिंग मशीन वर्टिकल मिलिंग मशीन क्यों क्योंकि मिलिंग कटर आप ऐसे वर्टिकली स्पिंडल में अटैच करोगे इसलिए इसको कहेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन सो इसका आंसर है देखिए मिलिंग कटर जो है आप स्पिंडल में अटैच करोगे राइट right? और वो रोटेट कैसे होगा अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस वो रोटेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन शेपिंग कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली बाय ब्लैंक स्पेस मिलिंग मशीन ओके okay. अगर आपको मिलिंग मशीन के ऊपर शेपिंग ऑपरेशन करना है तो कौन सी मशीन बेटर रहेगी हॉरिजोंटल और वर्टिकल सो so, इसका आंसर है वर्टिकल मिलिंग मशीन ओके okay. सो so, वर्टिकल मिलिंग मशीन पे शेपिंग ऑपरेशन बहुत इफेक्टिवली होगा सो so, ये है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन इस पर शेपिंग ऑपरेशन इफेक्टिवली नहीं होगा वेयर एज ऑन वर्टिकल मिलिंग मशीन शेपिंग ऑपरेशन काफ़ी इफेक्टिवली आप परफॉर्म कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन सर्फेसिंग कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली बाई ब्लैंक स्पेस मिलिंग मशीन सो अगेन दिस इज़ बाय वर्टिकल मिलिंग मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म कटिंग कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली बाय ब्लैंक्सवेस मिलिंग मशीन सो इसका आंसर है हॉरीजोंटल मिलिंग मशीन ओके सो ये हो गया आपका हॉरीजोंटल मिलिंग मशीन इसमें देखिए एक्सिस जो है वो हॉरीजोंटल है इसे कहते हैं आर्बर सो so, अगर आपका फॉर्म कटिंग है सो फॉर्म कटिंग जो है वो सबसे अच्छे से परफॉर्म होगा आपके हॉरिजोंटल मिलिंग मशीन पे यहाँ पे आप फॉर्म कटर यूज़ करोगे और उससे आप फॉर्म मिलिंग करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्लैब मिलिंग कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली बाय द आंसर इज़ हॉरिजोंटल मिलिंग मशीन सो ये हो गया स्लैब मिलिंग ओके जैसे एक कोई जॉब है उसका थिकनेस आपको रिड्यूस करना है अब देखिए यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है यहाँ पर थिकनेस कम है सो so, आप स्लैब मिलिंग कटर यूज़ करोगे राइट सो ये स्लैब मिलिंग कटर जो है आप यहाँ पे अरबर पे लगाओगे और फिर मिलिंग ऑपरेशन होगा सो स्लैब मिलिंग अच्छे से कौन से मशीन पे परफॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रिलिंग कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली बाय अगर आपको मिलिंग मशीन के ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है सो ऑब्वियसली आंसर इज वर्टिकल मिलिंग मशीन यहाँ पे सिंपली आपको ड्रिल बिट अटैच करना है और जैसे ड्रिलिंग मशीन काम करता है सेम वैसे ही आपका मिलिंग मशीन काम करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मशीनिंग कैन बी डन बाय मिलिंग मशीन कौन से टाइप का मशीनिंग होता है मिलिंग मशीन पे, ओके सो हेयर द आंसर इज ऑल ऑफ द मैंशन सो देखिए पहला कौन सा है कटिंग कीवेज देखिए यहाँ पे कीवेज कट किए हैं, राइट यहाँ पे साइड मिलिंग कटर से या फिर एंड मिलिंग कटर से आप कीवेज कट कर सकते हो स्लॉट एंड ग्रूव देखिए यहाँ पे स्लॉट्स ग्रूव सारे कट किए हुए हैं मिलिंग मशीन पे। देन गियर कटिंग देखिए यहाँ पे गियर कटिंग हो रहा है राइट सो ऑल ऑफ ऑल दीज ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म

उसके बाद टेबल जो है इन एंड आउट भी मूव होगा सो आपके पास क्रॉसवाइज मोशन भी है ओके सो ऑल ऑफ द मेंशन इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग आर द सब टाइप ऑफ विच मिलिंग प्रोसेस द आंसर इज पेरीफेरल मिलिंग ओके पेरीफेरल मिलिंग के टाइप है अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग सो ये हो गया आपका अप मिलिंग ये डाउन मिलिंग अप मिलिंग में क्या होगा कटर और वर्क का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगा डाउन मिलिंग में वो दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट होंगे सो so इसे कहेंगे पेरीफेरल मिलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग इज नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग कन्वेंशनल मिलिंग किसे कहते हैं सो so इसका आंसर है अप मिलिंग अप मिलिंग को जो है वो कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं ओके okay? ये हो गया आपका अप मिलिंग अप मिलिंग को कहते हैं कन्वेंशनल मिलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज क्लाइम मिलिंग सो क्लाइम मिलिंग कहते हैं डाउन मिलिंग को ओके okay? डाउन मिलिंग जो है उसे कहते हैं क्लाइंब मिलिंग आप जो है वर्क के ऊपर क्लाइम कर कर रहे हो राइट right? वर्क के ऊपर क्लाइ ये कटर जो है ना ऐसे क्लाइम करते जा रहा है वर्क के ऊपर सो so, इसीलिए इसको कहते हैं डाउन मिलिंग क्लाइम मिलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द थिकनेस ऑफ द चिप इन अप मिलिंग इज ब्लैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द कट मतलब अगर आप अप मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो जो चिप्स प्रोड्यूस हो रही है सो एट द बिगिनिंग उसका थिकनेस क्या होना चाहिए सो so, उसका थिकनेस रहता है मिनिमम अब देखिए अप मिलिंग यानी क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये हो गया आपका अप मिलिंग अब इसमें देखिए एट द बिगिनिंग यहां से चिप्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है चिप ओके अब ये चिप में देखिए थिकनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कट ये बहुत कम है और एट द एंड बहुत ज्यादा है ओके सो so, अप मिलिंग में क्या होगा चिप का थिकनेस बिगिनिंग में कम होगा एंड में ज्यादा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द थिकनेस ऑफ द चिप इन अप मिलिंग इज ब्लैंक स्पेस इन वैन द कट टर्मिनेट मतलब जब कट टर्मिनेट हो रहा है ये हो गया आपका अप मिलिंग देखिए जब स्टार्ट होगा तो थिकनेस बहुत कम है लेकिन जब कट टर्मिनेट होगा तो थिकनेस क्या है मैक्सीम है सो इसका आंसर है मैक्सीम नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग फोर्स इज डायरेक्टेड ब्लैंक स्पेस एंड दिस टेंड्स टू लिव द वर्क फ्रॉम द फिक्सचर इन अप मिलिंग द आंसर इज अपवर्ड अब देखिए ये अपमिलिंग है और कटिंग फोर्स कैसे लग रहा है इस डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में आपका कटिंग फोर्स लग रहा है उसके वजह से क्या होगा ये जो वर्क पीस है ये ऊपर उठने का ट्राई करेगा ओके okay? इस फोर्स के वजह से ये वर्क पीस लिफ्ट होगा ऊपर तो फिक्सचर जो है वह बहुत स्ट्रांग चाहिए अप मिलिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन मोर डेफ्थ ऑफ कट कैन बी यूज इन ब्लैंक स्पेस मशीनिंग प्रोसेस सो डाउन मिलिंग अब डाउन मिलिंग में आप क्या कर सकते हो मैक्सिमम डेफ्थ ऑफ कट यूज़ कर सकते हो ऐसा क्यों क्योंकि डाउन मिलिंग में आप फोर्स कहाँ पर लगा रहे हो नीचे और नीचे आपका स्ट्रांग टेबल है तो वो सस्टेन कर सकता है लेकिन अप मिलिंग में आपका फोर्स ऊपर लग रहा है तो फिक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए ओके सो मोर डेफ्थ ऑफ कट कहाँ पे लगेगा मोर मोर डेफ ऑफ कट लगेगा डाउन मिलिंग प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस इन पोरिंग कूलेंट जस्ट ऑन द कटिंग एज फ्रॉम वेयर द चीप बिगिनस दिस इज द डिसडवाटेज डिसएडवाटेज ऑफ विच प्रोसेस द आंसर इज अप मिलिंग अब देखिए ये प्रोसेस आपका अप मिलिंग है राइट right? यहाँ पर कटिंग हो रहा है तो यहाँ पे कटिंग फ्लूड पोर करना बहुत डिफिकल्ट है वेयर एज यहाँ पे कटिंग कटिंग फ्लूड डिलीवर करना बहुत ईजी है ओके okay? सो so ये डिसडवाटेज है अप मिलिंग प्रोसेस का यहाँ पे कटिंग फ्लूड की डिलीवरी करना डिफ़िकल्ट है सो so वही अपना क्वेश्चन था नेक्स्ट द वर्क इज पुल्ड बाय द कटर टीथ एंड हैंज द जॉब मेग इट स्पॉइल्ड और ब्रेक अवे दिस इज द डिसडवाटेज ऑफ तो ये रहेगा अप मिलिंग का देखिए यहाँ पे कटिंग फोर्स ऊपर लग रहा है राइट right? जिसके वजह से हो सकता है कि आपका जॉब फिक्सर से निकल गया आपका स्ट्रॉन्ग फिक्सचर नहीं है तो सो जॉब खराब हो जाएगा आपका सो दिस इज डिसडवाटेजेस ऑफ अप मिलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन एज द कटर प्रोग्रेसिस द चीप एक्यूमलेट एट द कटिंग जोन स्पॉइल्स द वर्क सर्फेस दिस इज द डिसडवाटेज ऑफ दिस इज द डिसडवाटेज ऑफ अप मिलिंग राइट अप मिलिंग में क्या होगा ये सारी चिप्स यहाँ पे कलेक्ट होंगी चिप्स इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे ही कलेक्ट होंगी ओके सो दिस दिस इज द डिसडवाटेज ऑफ अप मिलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द नी इज ब्लैंक स्पेस एडजस्टेबल ऑन द कॉलम इन हॉरीजोंटल कॉलम एंड नी टाइप ऑफ मिलिंग मशीन ओके नी कैसे एडजस्ट होता है अब देखिए आपका हॉरीजोंटल मिलिंग मशीन है ओके okay? और ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं नी तो नी का अरेंजमेंट कैसा है आप वर्टिकली इसे अप एंड डाउन कर सकते हो आप कटर को वर्टिकली अप एंड डाउन नहीं कर सकते हो कटर वर्टिकली अप एंड डाउन नहीं होगा कटर सिर्फ हॉरिजोंटली मूव होगा right? राइट हार्बर के ऊपर या फिर अपनी जगह पे वो रोटेट होगा हार्बर के ऊपर फिक्स करने के बाद लेकिन नी को आप क्या कर सकते हो अगर आपको डेफ्थ एडजस्ट करना है सो नी आप अप एंड डाउन कर सकते हो सो इसका आंसर होगा वर्टिकली सो नी जो है वो वर्टिकली आप एडजस्ट कर सकते हो कॉलम के ऊपर ये हो गया आपका कॉलम नेक्स्ट क्वेश्चन और ये जो है ये एक्चुअल फोटोग्राफ है मशीन का नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड नी टाइप मशीन कटर रोटेट्स अबाउट द एक्सिस कटर कैसे रोटेट होता है हॉरिजोंटल मशीन में सो इट रोटेट्स हॉरीजोंटली अब देखिए ये आपका कटर है कटर आपने माउंट किया है आरबर के ऊपर सो so, इसका एक्सिस कटर का रोटेशन रोटेशनल एक्सिस कौन सा होगा अराउंड हॉरिजोंटल एक्सिस वो रोटेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए यूनिवर्सल इन ए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन टेबल ऑफ द मशीन में बी स्वेल्ड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विच हेल्प इन ब्लैंक स्पेस मिलिंग ओके द आंसर इज बोथ हेलिकल एंड कैम राइट सो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में क्या होता है आपका टेबल रोटेट भी होगा सिर्फ अप एंड डाउन नहीं होगा वो रोटेट भी होगा जिसके वजह से हम लोग हेलीकल और कैम शेप जो है वो भी इजीली मशीनिंग कर सकते हैं राइट सो ये जो टेबल है ये ये, ये इस लीवर के साथ आप इसे रोटेट कर सकते हो इसे आप इस टेबल को रोटेट कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑपरेशन ऑफ द मशीनिंग्स मशीनिंग सेवरल सर्फेसिस ऑफ द वर्क पीज ओके अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ही कटर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके वजह से एक ही सरफेस मशीनिंग होगा लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा सर्फेसेस अगर आपको मशीनिंग करना है सो यू कैन यूज गैंग मिलिंग ओके यहाँ पे आप देख सकते हो एक आर्बर के ऊपर दो कटर यूज़ किए हैं ओके सो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे गैंग मिलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग ऑपरेशन कैन बी यूज़ फॉर मशीनिंग ऑफ ए फ्लैट सर्फिस विच इज राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द कटर देखिए क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़िए विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन मिलिंग ऑपरेशन कैन बी यूज फॉर मशीनिंग फ्लैट सरफेस ओके फ्लैट सरफेस आपको करना है विच इज़ राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द कटर सो इसका आंसर है फेस मिलिंग अब देखिए यहाँ पे ये है फेस मिलिंग कटर का एक्सिस ये है ओके okay? और आप मशीनिंग कर रहे हो ये फेस मतलब आपका फेस जो है वो कटर के एक्सिस को परपेंडिकुलर है सो so, इसे कहते हैं फेस मिलिंग ओके वेयर एज जो स्लैब मिलिंग है या फिर पेरीफेरल मिलिंग है इसमें देखिए ये कटर का एक्सिस है और ये आपके वर्कपीस का एक्सिस है सो so, दोनों पैरल है एक दूसरे को अगर दोनों एक दूसरे को पैरल है तो उसे कहेंगे पेरीफेरल मिलिंग या फिर स्लैब मिलिंग लेकिन फेस मिलिंग में क्या हो रहा है कटर का एक्सिस वर्टिकल है और वर्कपीस का एक्सिस हॉरिजॉन्टल और सरफेस हॉरिजॉन्टल है सो so, उसे कहेंगे फेस मिलिंग सो इसका आंसर है फेस मिलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग प्रोसेस इज यूज फॉर मशीनिंग इरेग्युलर शेप सो इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए उसमें आपको फ्लैट सरफेस मिल रहा था नाउ अगर आपको इरेग्यूलर शेप मशीनिंग करना है विद द हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन सो कौन सा प्रोसेस आप यूज़ करोगे कौन सा मशीन आप यूज़ करोगे सो so, इसका आंसर बनेगा फॉर्म मिलिंग देखिए यहाँ पे यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ स्लॉट चाहिए सो so, मैंने यूज़ किया है फॉर्म मिलिंग कटर सो ये ऐसे मशीनिंग करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलिंग ऑपरेशन कैन बी यूज़ फॉर पार्टिंग ऑफ वर्क पीस इन टू पीसेस जॉब के दो टुकड़े मुझे करना है मिलिंग मशीन के ऊपर सो so, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करोगे आप सो so, इसका आंसर है सौ मिलिंग सो so, ऐसे आप कटर यूज करोगे और जिससे आप दो टुकड़े कर सकते हो जॉब के सो so, इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलिंग कटर कैन बी यूज़ फॉर फिनिशिंग ऑफ प्रीवियसली मेल्ड स्लॉट फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए आप कौन सा मिलिंग कटर यूज़ करोगे सो so, उसके लिए आंसर है डव टेल मिलिंग कटर ओके सो दिस इज योर डव टेल मिलिंग कटर सो मिलिंग आपने रफिंग ऑपरेशन कर लिया है जो फिनिशिंग ऑपरेशन है आप इसके साथ करोगे डवटेल मिलिंग कटर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलेट इन मिलिंग मशीन आर जनरली यूज टू कॉलेट का क्या यूज़ है ओके okay? सो so, इसका आंसर है होल्ड द कटर कटर को होल्ड करने के लिए कॉलेट यूज होता है तो so, इसे कहते हैं कॉलेट सो so, जितने भी शैंक टाइप के कटर है वो शैंक इसके अंदर जाएगा ये स्पिंडल में जाएगा और रोटेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग कटर हैव टीथ ओनली ऑन देयर पेरिफेरी, सिर्फ पेरिफेरी पे टीथ है ओके okay? ऐसे कौन सा कटर है सो so, इसका आंसर है प्लेन मिलिंग कटर देखिए ये है आपका प्लेन मिलिंग कटर इस पर देखिए सिर्फ पेरी फेरी के ऊपर कटिंग टीथ है ये जो है ये सारी इसकी पेरी फेरी है पेरी फेरी के ऊपर सिर्फ कटिंग टीथ है सो प्लेन मिलिंग कटर में सिर्फ पेरी फेरी के ऊपर कटिंग टीथ होते हैं ये दूसरा है आपका साइड मिलिंग कटर इसमें देखिए पेरी फेरी पे भी है और साइड पे भी है नेक्स्ट है एंड मिल कटर इसमें बॉटम में भी है और साइड में भी है और लास्ट है फेस मिलिंग कटर इसमें भी देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है सो so क्वेश्चन था अपना विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग कटर हैव टीथ ऑन देयर फेरी फेरी तो इसका आंसर बनेगा प्लेन मिलिंग कटर सिर्फ प्लेन मिलिंग कटर ऐसा है कि पेरी फेरी पर पे होता है बाकी सब में साइड में बॉटम में कहीं पे भी टीथ हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल ऑफ द मिलिंग मशीन इज जनरली मेड अप ऑफ टेबल किस चीज़ का बना हुआ होता है सो द आंसर इज कास्ट आयरन मिलिंग मशीन का जो टेबल है इसे कहेंगे मिलिंग मशीन का टेबल इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड द लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विथ मिलिंग कटर मिलिंग कटर से आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज देखिए फर्स्ट है कटिंग की वेज ऑन द शाफ्ट यह आपने कर ली है कटिंग एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड देखिए यहाँ पे मिलिंग मशीन पर ही आप एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड भी कट कर सकते हो नैक्स्ट क्वेश्चन कटिंग टीथ ऑप्स पर गियर देखिए ये ब्लैंक है आपके पास और इस कटर से आप जो है वो टीथ कट करते जाओगे ब्लैंक को रोटेट करोगे टीथ कट करोगे फिर से रोटेट करोगे दूसरा टूथ कट करोगे मतलब वो गैप क्रिएट करोगे सो so ये 50 क्वेश्चंस हो गए मिलिंग मशीन पे सो so अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो तो ये प्ले आपके लिए बहुत हेल्पफुल है मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्तों के साथ भी ये प्ले आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी बहुत बेनिफिट होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू